हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी देख रहे हैं, ये सारे मेरे क्रिसेंथेमम्स हैं। ये क्रिसेंथेमम्स की कटिंग्स भी मैंने लगाई है, और ये जितने भी क्रिसेंथेमम्स हैं, ये सारे प्लांट्स को मैंने ग्रो बैग से हटा के मैंने ये ब्लैक कलर के नर्सरी पॉट्स में इनको लगा दिया है। अब बात ये आएगी कि मैंने ग्रो बैग्स के इनको क्यों हटाया है। देखिए, ग्रो बैग्स जो थी वो ग्रो बैग सारी डैमेज हो चुकी थी, फट चुकी थी, और उसमें प्लांट ठीक से ग्रो नहीं हो पा रहा था। यानी कि प्लांट साइड से बहुत फैल जा रहा था और ठीक से मैं उसको सपोर्ट वगैरह ग्रो बैग में नहीं दे पा रहा था, और इसीलिए मैंने ये ग्रो बैग सारी हटा दी। और ग्रो बैग की जगह पे मैंने ये जितने भी प्लांट्स थे, ये सारे प्लांट्स को मैंने ये छोटे छोटे 8 इंच के गमले के अंदर मैंने इनको शिफ्ट कर दिया है। अब से मैं ये प्लांट की केयर करना शुरू करूँगा। देखिए, क्रिसेंथेमम्स पे अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हो तो टेम्परेचर और क्लाइमेट, ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक सही टाइमिंग आपके पास होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे फ्लावर्स देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको ये वीडियो में समझाऊंगा, ताकि क्रिसेंथेमम्स आपके यहाँ सक्सेसफुली ग्रो हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो क्रिसेंथेमम्स अगर आप लेना चाहते हो, तो बाद में क्रिसेंथेमम्स की जो परफेक्ट सीज़न होगी परचेजिंग की, वो है मॉनसून की सीज़न। अभी ये बारिश की सीज़न में क्रिसेंथेमम्स अगर आप परचेज कर लेते हो, तो विंटर्स तक आपको इसके ऊपर बहुत अच्छे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। मॉनसून की सीज़न ही क्यों, देखिए मॉनसून की सीज़न में जनरली क्रिसेंथेमम्स की कटिंग्स भी बहुत जल्दी लग जाती है। आप इसकी सिर्फ कटिंग्स लगाओगे तो अराउंड 10 दिन में 12 दिन में इसके रूटिंग्स भी निकलना शुरू हो जाएंगे, और ये कटिंग्स आपकी बहुत जल्दी ग्रो होना शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर आप एक प्लांट लाओगे तो एक प्लांट में से अगर आप 4 कटिंग लगाओगे तो 4 में से मैं गारंटी देता हूँ कि 3 कटिंग आपकी सक्सेसफुली ग्रो हो ही जाएगी। तो ये हिसाब से आप इसका मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, और अभी से अगर आप शुरुआत करोगे तो विंटर्स तक आपको यही कटिंग्स के ऊपर बहुत अच्छे फ्लावर्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, विंटर सीजन में जैसे ही फ्रेंड्स जो सकर्स डेवलप होते हैं हमारे क्रिसेंथेमम्स में, अगर आप अभी से ही इसकी पिंचिंग करना शुरू कर लोगे तो बाद में ये क्रिसेंथेमम्स और ज़्यादा से ज़्यादा फैलते रहेंगे। अब पिंचिंग हमें एग्जैक्टली कब से शुरू करनी है, देखिए जब भी आपके क्रिसेंथेमम्स की साइज़, जो एक बेसिकली एक सकर की जो साइज़ होती है क्रिसेंथेमम की, ये सकर की साइज़ अराउंड 10 इंच के आसपास हो जाए, 8 से 10 इंच के आसपास हो जाती है, तब से आप इसके ऊपर पिंचिंग करना शुरू कर लीजिए। ऊपर के सिर्फ 2 पत्ते आप पिंच कर लीजिए, धीरे धीरे आपका ये जो क्रिसेंथेमम्स है, ये धीरे धीरे नई ब्रांचेस प्रोड्यूस करता जाएगा, और ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और फैलता जाएगा। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतने ज़्यादा आपके क्रिसेंथेमम्स पे फ्लावरिंग्स होंगे। ये एक सिंपल चीज़ है। अगर आप कटिंग्स भी लगाते हो तो वो कटिंग अगर 8 से 10 इंच तक आ जाती है, तो आप वो कटिंग के ऊपर भी पिंचिंग करना शुरू कर लीजिए, और धीरे धीरे यही क्रिसेंथेमम्स आपके बहुत घने हो जाएंगे और इसके ऊपर आपको फ्लावरिंग्स भी देखने को मिलते रहेंगे। पिंचिंग कितने दिन में करनी है, देखिए जैसे ही आप पिंचिंग करते हो दूसरी नई ब्रांचेस निकलना शुरू होगी, वो दूसरी ब्रांचेस के ऊपर भी, वो दूसरी ब्रांचेस भी अराउंड 8 इंच के आसपास हो जाती है, तो उसके ऊपर फिर से पिंचिंग कर दीजिए। ऐसे करके धीरे धीरे जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आती रहेगी, उतनी ज़्यादा ब्रांचेस के ऊपर से आप पिंचिंग करते रहिए। मतलब मैं 8 इंच के आसपास वो ब्रांच लंबी हो जाती है, उसके बाद पिंच करिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आपके क्रिसेंथेमम्स पे प्रोड्यूस होगी। तो पिंचिंग आपको ब्रांचेस की लंबाई वगैरह देख के आपको पिंच करते रहना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के क्रिसेंथेमम्स के लिए हम पॉटिंग मिक्स क्या दें। अगर हम नर्सरी से क्रिसेंथेमम्स लाते हैं तो वो लाल मिट्टी में होंगे या तो कोई दूसरी सॉइल में होंगे, तो हमें इसके लिए कौन सी सॉइल प्रीफर करनी है। देखिए, क्रिसेंथेमम्स एक ऐसा प्लांट है जो कोई भी सॉइल में चल जाएगा। अगर आप इसको कोई भी मीडिया दोगे, अगर आप इसको सिंडर मीडिया दोगे, अगर आप इसको कोकोपीट मीडिया दोगे, अगर आप इसको मिट्टी मीडिया दोगे, अगर आप इसको सैंड और मिट्टी और कंपोस्ट का कॉम्बिनेशन दोगे, सभी में ये चल जाएगा, सभी में आपको इसको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं तो सबसे पहले आपको यही बोलूँगा कि आपके यहाँ आपके गार्डन में कौन सा मीडिया आपको सही लग रहा है, जिसमें आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो वो मीडिया में अगर आप क्रिसेंथेमम्स लगाना शुरू कर लोगे तो बाद में आपके क्रिसेंथेमम्स बहुत तेज़ी के साथ बढ़ सकते हैं। तो मैं ऐसा आपको कोई स्पेसिफिक मीडिया नहीं बोलूँगा, लेकिन जहाँ तक मैं जो मीडिया प्रीफर करता हूँ अभी से, वो है कोकोपीट मीडिया।
वैसे तो मेरे बहुत सारे क्रिसेंथेमम्स यहाँ पे मिट्टी मीडिया में लगे हैं, क्योंकि ये मिन मीडिया मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था, लेकिन अभी जो कटिंग्स वगैरह में जो लगा रहा हूँ वो कोकोपीट वाले मीडिया में लगा रहा हूँ, और मेरे लिए कोकोपीट मीडिया हल्का है तो मुझे प्लांट्स को इधर उधर मूव करने में बहुत आसानी रहती है, जिसकी वजह से मैं कोकोपीट मीडिया ही जनरली प्रीफर करता हूँ। तो मैंने कटिंग्स सारी कोकोपीट मीडिया में लगाई है, जो पुराने प्लांट्स हैं वो मिट्टी मीडिया में है। मिट्टी मीडिया में भी अगर आप अच्छा लाइट वेट मीडिया बनाना चाहते हो तो कॉम्पोस्ट, सैंड और मिट्टी, ये तीनों तीन का इक्वल कॉम्बिनेशन लीजिए। ये थोड़ा सा लाइट वेट भी हो जाएगा, एरी भी हो जाएगा और वेल ड्रेन्ड मीडिया भी बन जाएगा, और ये क्रिसेंथेमम्स के लिए एकदम सही मीडिया हो जाएगा। तो ऐसे मीडिया में आप अपने क्रिसेंथेमम्स को लगा सकते हो। अब क्रिसेंथेमम्स को कितने इंच का पॉट चाहिए? देखिए, अगर आपके पास एक छोटी कटिंग अगर आपने लगाई है तो एक 8 इंच के गमले में आप कम से कम 6 से 7 कटिंग्स लगा सकते हो। जितनी ज़्यादा कटिंग्स अगर आप लगाओगे तो वो पॉट के अंदर वो क्रिसेंथेमम्स बहुत भर के निकलेगा और पूरा पॉट आपको भरा हुआ दिखेगा। तो इसीलिए आप ज़्यादा कटिंग्स लगाइए। 8 इंच के गमले में आप कम से कम 6 कटिंग्स भी लगा सकते हो, पूरा पॉट भर जाएगा जब वो प्लांट बड़ा हो जाएगा। अब क्रिसेंथेमम्स के लिए हमें फर्टिलाइज़र कौन सा देना है और कब से शुरुआत करनी है? देखिए, जो भी आपके पुराने क्रिसेंथेमम्स हैं उसको आप अभी से ही फर्टिलाइजेशन करना शुरू कर लीजिए। जैसे ही आप पिंचिंग करना स्टार्ट करते हो उसके साथ साथ आप अपने प्लांट के ऊपर फर्टिलाइजेशन भी स्टार्ट कर सकते हो। फर्टिलाइजेशन में जनरली 12x7 में अभी प्रीफर करूँगा, क्योंकि अभी हमें वेजिटेटिव ग्रोथ लेनी है हमारे क्रिसेंथेमम्स की, जितने हो सके उतने ज़्यादा पत्ते लेने हैं। तो इसीलिए 12x7 फर्टिलाइज़र मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये सीज़न में। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल्स हो रहे हैं, जैसे कि मेरे यहाँ हो रहे हैं, डेली की बारिश हो जाती है और पूरे पूरे दिन बारिश होती है, तो ऐसे में आप 0-52-34 फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके यहाँ डेली की बारिश नहीं होती, नॉर्मली बीच बीच में बारिश हो जाती है, तो बाद में आप 12x7 जैसा फर्टिलाइज़र प्रीफर कर सकते हो। कितनी क्वांटिटी लेनी है? फर्टिलाइज़र में आप 2 ग्राम लीजिए, 1 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए, हफ्ते में 2 बार आप ये 12x7 या तो 0-52-34 रूट सिस्टम में अप्लाई कर सकते हो। एक संडे को दिन कीजिए, बाद में एक थर्सडे के दिन इसको फर्टिलाइज़र दीजिए, कुछ ये हिसाब से इसका फर्टिलाइज़र शेड्यूल चलना चाहिए। ये 12x7 या तो 0-52-34 अगर आप देते हो, उसके साथ अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट का भी इंक्लूजन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, प्लांट बहुत अच्छे फ्लावर्स देगा। तो अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट देना चाहते हो तो 1 ग्राम जितना मैग्नीशियम सल्फेट इनके साथ ऐड करके आप अपने क्रिसेंथेमम्स में दे सकते हो। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर आप देते हो तो नॉर्मली जो काउडंग लिक्विड है, या तो काउडंग कॉम्पोस्ट है, वर्मी कॉम्पोस्ट है, या तो वर्मी कॉम्पोस्ट लिक्विड है, ये फर्टिलाइज़र आप रेगुलरली वीकली वीकली बेसिस पे दे सकते हो। आपके क्रिसेंथेमम्स उसके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से भी अच्छी ग्रोथ ले लेंगे। तो ये हिसाब से बहुत सारे फर्टिलाइजेशन के ऑप्शंस हैं जो आपको क्रिसेंथेमम्स को देने हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक प्लस केमिकल दोनों देना चाहते हो तो दोनों भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्रिसेंथेमम्स लाइट फर्टिलाइजर्स में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा भी क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र नहीं देना है, 1-2 ग्राम मोर देन इनफ है क्रिसेंथेमम्स की ग्रोथ के लिए। लेकिन जब आपका क्रिसेंथेमम्स तैयार हो जाता है फ्लावर बर्ड्स प्रोड्यूस करने में, यानी कि अक्टूबर एंड या तो नवंबर, अब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। देखिए, क्रिसेंथेमम्स पे आपको बर्ड्स कब लेने हैं? जब आपके यहाँ टेम्परेचर 28 डिग्री से नीचे जाना शुरू हो जाता है, जैसे कि 26, 25, 24, 23, और रात का टेम्परेचर अगर आपके यहाँ 18, 19 डिग्री के आसपास रहता है और उससे कम भी जाना शुरू हो जाता है, तब से आप अपने प्लांट के ऊपर फ्लावर बर्ड्स लेना शुरू कर लीजिए। देखिए, क्रिसेंथेमम्स के फ्लावर्स की लाइफ को बढ़ाना जरूरी है। जितनी ज़्यादा आपके यहाँ ठंड होगी उतना ही क्रिसेंथेमम्स के फ्लावर्स की लाइफ बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा आपके यहाँ गर्मी रहेगी उतनी ही आपके क्रिसेंथेमम्स के फ्लावर्स की लाइफ कम हो जाएगी। तो इसीलिए क्रिसेंथेमम्स के फ्लावर्स की लाइफ को बढ़ाने के लिए हमें फ्लावर्स देरी से लेने हैं, और ज़्यादा देरी से भी नहीं लेना है कि जब आपके यहाँ टेम्परेचर दिसंबर महीने में, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ऐसा जाता ही है जहाँ पे टेम्परेचर दिन का टेम्परेचर 12 या 11 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो इतनी ही देरी से हमें फ्लावरिंग्स नहीं लेनी है। हमें थोड़ा सा जल्दी करना है, जो मैंने आपको टेम्परेचर बताया है 28, 27, 26, 25 ऐसा दिन का टेम्परेचर होना चाहिए, और रात का टेम्परेचर 16 डिग्री से 19 डिग्री के आसपास रहेगा, तब से आप अपने प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग बर्ड्स लेना शुरू कर लीजिए। धीरे धीरे इसके फ्लावर्स ओपन होंगे, क्योंकि इसके फ्लावर्स ओपन होने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। जितनी ज़्यादा ठंड रहेगी उसके फ्लावर्स उतने ही स्लोली ओपन होंगे।
और जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतने जल्दी उसके फ्लावर्स ओपन हो जाएंगे। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ समझ के चलिए कि जब भी आपके 28 डिग्री टच हो जाती है तब से आप अपने प्लांट के ऊपर से फ्लावर बर्ड्स बनाना शुरू कर लीजिए। फ्लावर बर्ड्स बनाने के लिए आपको 12-61 फर्टिलाइज़र रोक के आपको 0050 फर्टिलाइज़र अप्लाई करना शुरू कर लेना है। 0050 फर्टिलाइज़र आपको 2 ग्राम लेना है, 1 लीटर पानी में मिक्स करिए और बाद में आप संडे और थर्सडे के दिन डाल सकते हैं। उसके साथ आप मैग्नीशियम सल्फेट कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 1 ग्राम जितना मैग्नीशियम सल्फेट उसके साथ ऐड करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं फुल सीज़न। जब तक आप अपने प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स ले रहे हैं तब तक ये फर्टिलाइज़र कंटिन्यू कीजिए। पिंचिंग उसके बाद बंद कर लेनी है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप पिंच करते रहोगे तो फ्लावरिंग बर्ड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो जब आपके यहाँ सही टेम्परेचर आ जाता है तब से पिंचिंग बंद कर लीजिए और फ्लावर बर्ड्स लेना शुरू कर लीजिए और धीरे धीरे ये फ्लावर्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हिसाब से आपको अपने क्रिसेंथेमम्स की केयर करनी है। इसी दौरान खास करके ये मॉनसून की सीज़न में की मैं बात करता हूँ कि अगर आपके प्लांट के ऊपर कहीं पे भी फंगल इन्फेक्शन दिख रहा हो तो फंगीसाइड जरूर स्प्रे करिए। रूट्स के अंदर भी फंगीसाइड दीजिए, जैसे कि रेडोमिल गोल्ड में यूज़ करता हूँ। अगर वो आपके पास नहीं है तो बाद में बेविस्टिन फंगीसाइड भी आप यूज़ कर सकते हो। 1 ग्राम लीजिए, 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप उसको अच्छी तरह मिक्स करके स्प्रे कर लीजिए और वही फंगीसाइड रूट्स में भी डाल सकते हो। तो ये जो फंगीसाइड है हफ्ते 10 दिन के आसपास एक बार आपको स्प्रे करना है। इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करिए, क्योंकि एफिड्स मेलीबग्स जैसे पेस्ट भी आपके प्लांट के ऊपर लग सकते हैं। तो आप एमिडाक्लोप्रिड जैसा इंसेक्टिसाइड 1 ml लीजिए, 1 लीटर पानी में मिक्स करके हर हफ्ते 10 दिन के आसपास आप स्प्रे करते रहिए। लेकिन ये इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड आपको तब तक स्प्रे करना है जब तक आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर बर्ड्स नहीं बने हैं। एक बार फ्लावर बर्ड्स बन जाते हैं और बाद में फ्लावर्स के कलर्स के पेटल्स आपको देखने को मिल जाते हैं तब से फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों बंद कर लीजिए, क्योंकि ये फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड आपके प्लांट के फ्लावर्स को डैमेज भी कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। इसीलिए तब से आप अपने प्लांट के ऊपर इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड बंद कर लीजिए। लेकिन जब तक फ्लावर्स नहीं है तब तक आप ये इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड स्प्रे करते रहिए, आपके प्लांट की ग्रोथ डबल और ट्रिपल हो जाएगी। तो बस इतनी सिंपल केयर करनी है क्रिसेंथेमम्स के पीछे, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।